गजेंद्र सिंह सतावत के निधन पर सचिन पायलट हुए भावुक। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत हानि। गजेंद्र सतावत जी विधायक भी थे और क्षेत्र के प्रति, पार्टी के प्रति समर्पित थे। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, दिल्ली में इलाज भी उनका हुआ, लेकिन बहुत अचानक और बहुत दुखद ये खबर मुझे आज सुबह मिली। और मैं समझता हूँ ना सिर्फ उनके क्षेत्र का, मेवाड़ का, राजस्थान का और पार्टी का, लेकिन मुझे व्यक्तिगत बहुत क्षति आज पहुँची है। उनका साथ, उनका सहयोग हमेशा हम सबको मिला और एक कर्मठ जुझारू विधायक रहे, उनके स्वर्ग के पिताजी प्रदेश में मंत्री रहे, बहुत सालों तक योगदान दिया और उन्होंने भी अपने क्षेत्र के देखभाल में, पार्टी के प्रति काम करने में कभी कमी नहीं छोड़ी। और बहुत कम उम्र में उनका इस प्रकार स्वर्गवास होना, स्वर्गवासी होना हम सबके लिए बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार को, क्षेत्रवासियों को अपनी सांत्वना देता हूँ। जैसा मैंने कहा कि उस परिवार से बहुत पुराना लगाव मेरा व्यक्तिगत था, उनके जाने से हम सबको दुख भी है, क्षति भी है और उनकी कमी हमेशा हमको। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि सूरत में हुए दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मरने वाले 13 लोग शामिल हैं। वह 13 लोग कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भगतपुरा गांव में के एक परिवार के 5 लोग हैं। गराटखेड़ा गांव के 4 व मक्ता व खेड़ा गांव के 2-2 लोग हैं। इन सभी के शव रात को इनके घर पहुंचा दिए गए हैं। आज होगा इन सभी का अंतिम संस्कार। नगर परिषद चुनाव के चलते पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई, जिसमें उन्होंने चुनाव को लेकर की खास बातचीत। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। राजस्थान नगर परिषद चुनाव के चलते दोनों राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही आज नामांकन पत्र उठाने के बाद कांग्रेस ने एक पत्रकार वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष जेपी नंदन गुर्जर, पीसीसी सदस्य हरि सिंह राठौर, नारायण सिंह भाटी, पूर्व सभापति आशा पालीवाल सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता करते हुए जिलाध्यक्ष गुर्जर ने कहा कि आमजन से अपील है कि इन चुनाव में कांग्रेस को बहुमत देकर विजय बनाए, ताकि राज्य सरकार के साथ साथ कड़ी से कड़ी जुड़ सके। यदि जनता ने पार्टी पर विश्वास जताया और सभापति के साथ बोर्ड बनाया तो निश्चित रूप से विकास होगा। इसके साथ ही पार्टी ने आगामी चुनाव के बाद टाउन हॉल, रिंग रोड, खारी नदी की नगर को चौड़ा करने के अलावा कई विकास की योजनाएं तैयार कर रखी हैं। पार्टी में बागी होने की बात पर रोक लगाते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी संगठन एकजुट हैं और अगले चुनाव के मिशन में 45 का टारगेट पूरा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि गहलोत कैबिनेट की आज अहम बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र की तारीख भी आज तय होगी। बैठक से कैबिनेट नोट राजभवन को भेजा जा सकता है। आज मेरी गेट के पास सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही यह बताया गया कि वह घर से निकलते समय हेलमेट पहनकर निकले, ताकि वह आने वाली दुर्घटनाओं से बच सके। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। 18 जनवरी को अजमेरी गेट स्थित यादगार पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसके साथ ही सड़क दुर्घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर अजय लांबा ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान का उद्देश्य है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर उन सभी परिवार के सदस्यों से कहना है कि जो घर से बाहर निकले तो बच्चे अपने पेरेंट्स से कहें सीट बेल्ट जरूर लगाएं, बिना हेलमेट के वह गाड़ी ना चलाएं। एकमात्र उद्देश्य था कि हम जिन लोगों को यहाँ पे देख पा रहे, जिन्होंने अपने बहुत खास लोगों को, अपनों को खोया है, उनके दुख को देख करके, उनकी भावनाओं को देख करके हम अपने घर के लोगों को बचाएं, सड़क पे चलने वाले दूसरे लोगों को बचाएं। इसका एकमात्र तरीका है कि हर पेरेंट अपने बच्चों के ऊपर इस बात के लिए पुलिसिंग करे कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के घर से बाहर नहीं निकले, बिना मतलब शराब पी करके कभी वो वाहन नहीं चला। पूर्व सैनिकों को न्याय दिलवाने के लिए जयपुर में एक महासभा का आयोजन किया गया, जिनमें पूर्व सैनिकों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी मौजूद रहे। आगे देखते हैं क्या है पूरी खबर।
जयपुर में सैनिक कल्याण कार्यालय में सैनिक न्याय संघर्ष समिति के तत्वाधान में राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश होने के बावजूद 622 मुरब्बा आवंटित में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के कारण हो रही देरी में व 155 का ओरिजिनल आवंटन रद्द करते हुए नए लोगों को आवंटित करने की कार्रवाई को राजस्थान सरकार एवं नागरिकों तक पहुँचाने के लिए पूर्व सैनिकों को न्याय दिलवाने के उद्देश्य से महापूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सभा की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल गुर्जर महासभा ने पूरे प्रदेश से पधारे हुए सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिकों के परिवारजन का अभिनंदन करते हुए सभा की शुरुआत की। इसके साथ ही समिति के प्रदेश मंत्री सार्जेंट लाला राम ने समिति के पदाधिकारियों का परिचय करवाने के साथ साथ मुरब्बा आवंटन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां सभा में सबसे साझा की। सूबेदार अर्जुन सिंह ने इस विषय की ऐतिहासिक एवं कानूनी बारीकियों को सबको बताते हुए आगे रणनीति पर चर्चा की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सारे पूर्व सैनिक एवं उनके परिवारजन 1971 वार मेमोरियल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित करते हुए सरकार से आग्रह किया कि सैनिक देश की अमानता होता है। इस सभा में सीकर से कैप्टन रामचंद, चूरू से रणवीर सिंह, शौकत अली खान, भरतपुर से राम सिंह सैनी एवं रतन सिंह जी, झुंझुन से पधारे गौरीशंकर, भादरा से भूप सिंह जी व अन्य लोग मौजूद रहे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पचवाड़ा क्षेत्र में फिर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, जहां उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा की नवसरी ग्राम पंचायत जगनेर में 3 मृत मोर पाई गई। नवसरी ग्राम में पंचायत जगनेर त्रिकांधी नदी में मिली 3 राष्ट्रीय पंछियों की मौत का मामला सामने आया है, जहां नवसरी ग्राम पंचायत जगनेर त्रिकांत के सरपंच ने प्रशासन को दी सूचना। सहायक निदेशक निरंजन शर्मा ने जिला मुख्यालय से टीम को रवाना कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोल कॉल के अंदर। तो लगातार हम आप सभी को हमारे इस शो से अवगत करवा रहे हैं कि राजधानी जयपुर के अंदर पत्रकार सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में ही पिछले महीने 3 पत्रकारों पर जानलेवा हमले किए गए थे और इसी के चलते हुए हमने इस शो से आप सभी को अवगत करवाया था। लेकिन एक बार फिर से कल यही एक और मामला सामने आया है, जहां पर राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में ही एक और पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रकार करतार सिंह। तो करतार जी, क्या ये पूरा मामला कि लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और कल एक बार फिर से उसी इलाके के अंदर एक बार फिर हमला किया गया? नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे कमजोर और निकम्मी यानी राजस्थान पुलिस देखने को मिल रही है। तो मानसरोवर ACP के अंडर में जो भी जितने भी थाने पुलिस आ रहे हैं वो सबसे कमजोर नाकाम नजर आ रही है। जिस तरीके से पिछले कई महीने पहले भी यानी मानसरोवर थाना अंतर्गत यानी पत्रकारों के साथ बार बार हमले हो रहे हैं, उन पत्रकारों के दांत तक तोड़े जा रहे हैं, पत्रकारों को मार दिया तक जाता है, लेकिन पुलिस में कहाँ डर खोप है, यानी अपराधियों में कहाँ डर कहाँ खोप है। आज भी रात्रि को 12 बजे देखो, एक एक बाइक पर चार चार जने घूम रहे हैं, पुलिस के आगे से निकल रहे हैं, पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही और पत्रकारों पर दिन रात लगातार हमले हो रहे हैं। कहाँ सो रही है राजस्थान की पुलिस? जी बिल्कुल, लेकिन ये जो कल मामला सामने आया है इस मामले के बारे में बताइए आप। देखिए, कल मोहना थाना अंतर्गत पत्रकार यानी भगवान चौधरी है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो प्रिंट अखबार से भी जुड़े हुए हैं। वो किसी बाइक को या किसी कार को पार्किंग करने के कारण यानी स्ट्री सीटर विश्राम गुर्जर है, उन्होंने उस पत्रकार पर हमला कर दिया। एक सिर्फ पार्किंग की वजह से उनके यानी मुंह से खून आ रहे हैं, नाक से खून आ रहे हैं, यानी एक अपराधी की तरह एक यानी स्ट्री सीटर उस पत्रकार को मारता है और पुलिस मुख दर्शक बन के देख रही है। तो अगर एक हिस्ट्री शीटर जैसा कोई आदमी बदमाश अगर पत्रकार के पीछे पड़ जाए तो आखिर पत्रकार को इसकी शिकायत करेगा, तो शिकायत करने के बाद में थाने में उसमें कोई एक्शन लिया गया या नहीं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसमें मैं मोहना थाने का SHO लखन खटाने का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने तुरंत प्रभाव से जात समाज न देखते हुए भी यानी विश्राम गुर्जर जो भी स्ट्री शीटर है उनके यानी तमाम साथियों को उसी वक्त 15 से 20 मिनट के अंदर गिरफ्तार भी किया। इसे कहते हैं पुलिस की ड्यूटी निभाना। मानसरोवर पुलिस जैसी नहीं है जो पत्रकार को जान से मार दिया भी जाता है, महीने भर तक भी पूरे अपराधी गिरफ्तार नहीं
नहीं होते। पालीवाल जी जो वरिष्ठ कैमरामैन पत्रकार भी है उनके यानी पेट्रोल पंप पर दांत तक तोड़ दिए जाते हैं। पेट्रोल पंप वाले कहाँ हैं, कहाँ बदमाश कहाँ गए, कहाँ क्यों नहीं मानसरोवर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया। लेकिन देखा जाए तो मानसरोवर इलाका बहुत बड़ा इलाका है और इस इलाके के अंदर तीन थाने आते हैं, जो मुहाना थाना है, मुहाना थाने के बाद में शिप्रापत थाना और शिप्रापत थाने के बाद में अपना वरुणपत थाना। लेकिन ये जो मामले सामने आए हैं, इस मामले में सबसे ज्यादा जिसमें एक पत्रकार की मौत हुई थी वो तो मानसरोवर थाने का था, एक पत्रकार के दांत तोड़ दिए गए थे वो शिप्रापत थाने का था, और ये तीसरा जो केस आया है ये केस अपना मुहाना थाने का आया है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे मानसरोवर के अंदर ही अब पत्रकार सेफ नहीं रहे। देखिए मानसरोवर ACP संजीव चौधरी के अंतर्गत ये तीनों पुलिस थाने आते हैं और तीनों में ही यानी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस में ही भेदभाव है। मानसरोवर पुलिस ने थाना अंतर्गत वरुणपत में जिसमें पत्रकार अभिषेक सोनी की मौत हो जाती है, संजीव चौधरी ACP के नाम से सनी यात्री जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनको धमकियां मिलती है, फिर भी मानसरोवर पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है उन अपराधियों के खिलाफ। जैसे कि शिप्रापत थाना पुलिस लेके चलो कि वरिष्ठ पत्रकार है या कैमरामैन है पालीवाल जी है, उनके दांत तक तोड़ दिए जाते, क्या कार्रवाई हुई अभी उस अपराधी के खिलाफ? कुछ नहीं। और वही कल देखिए भगवान चौधरी के यानी जो मारपीट हुई उनके साथ, यानी जो स्टेशन विश्राम गुजर ने मारपीट किए, वही मानस मुहाना पुलिस है, उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है। पुलिस में ही तीन भेदभाव नजर आ रहे हैं, ये आपको भी दिख रहा है और सभी आम जनता को भी दिख रहा है, पत्रकार साथियों को भी दिख रहा है। पत्रकार साथी कहां चुप क्यों बैठे, उठाइए अपनी आवाज, सारे राजस्थान के पत्रकार, तमाम प्रदेश से भी पत्रकार आपके साथ हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले महीने जो अभिषेक सोनी की जो मौत हुई थी, उस मौत के बाद में अभी तक उस मौत के ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि ना तो मेरे को अभी इसके ऊपर कोई पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, ना ही कोई अपराधी पकड़ने में आया है। देखिए मानसरोवर पुलिस चैन की नींद सो रही है, मानसरोवर पुलिस से यानी सरकार का पेट्रोल डीजल बर्बाद कर रही है। लेकिन आखिर उनको जगाएगा कौन अगर वो सो रही है तो? नहीं, ये तो राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार है, गूंगी बेरी सरकार है, ये गहलोत सरकार को देखना चाहिए। पत्रकार सुरक्षा कानून तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए ताकि इस राजस्थान में, राजस्थान की सरकार के अंदर पत्रकार सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल। तो इस शो के अंदर हमारे पास इतना ही और हम आगे भी आपको इसी से अवगत करवाते रहेंगे कि राजधानी जयपुर के अंदर पत्रकार आखिर क्यों सुरक्षित नहीं है और अगर सुरक्षित हो जाते हैं तो उनके साथ में किस तरह का बर्ताव किया जाता है। तो हमारे इस खास शो के अंदर बस इतना ही, देखते रहिए News 19। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लालसोट विधानसभा से, जहां विधानसभा क्षेत्र की नवगठित तहसील राहुआस का किया गया शिलान्यास। आपको बता दें कि प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा एवं दूसरा सांसद जसकौर मीणा ने साथ मिलकर किया भूमि पूजन। नवगठित तहसील राहुआस के भूमि पूजन को लेकर ग्रामीणों में दिखा भारी उत्साह। पंडितों ने विधि विधान और मेन मंत्रों से करवाया नवगठित तहसील राहुआस का भूमि पूजन। अतिक्रमण व अवैध खनन के मामले आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है दौसा के सिकंदराबाद से, जहां वहां के किसान धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। यह किसान पहले भी अवैध खनन व अतिक्रमण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जो कि संज्ञान लेने के बाद स्थगित करना पड़ा था। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। कालवान के पहाड़ों में अवैध खनन एवं सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अवैध खनन व अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया था, जो कि सीमा के ज्ञान के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अब फिर से मामले ने तूल पकड़ लिया है, वहीं विवाद के चलते ग्रामीणों ने फिर से धरना देना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार केसर चालक द्वारा ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था, साथ ही ग्रामीण ने भी केस दर्ज करवाया था। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी तीन मांगे हैं, पहली क्रेशर को सीज किया जाए, दूसरी क्रेशर संचालक द्वारा दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, और तीसरी कि राजस्व विभाग की टीम द्वारा अवैध माल जब्त किया गया था उन पर कार्रवाई की जाए। तीन मांगे हैं। पहली मांग है कि ग्राम पंचायत की अवैध भूमि पर जो संचालित क्रेशर है तिरुपति बालाजी है, उसको सीज की जाए। दूसरी मांग है कि तिरुपति क्रेशर संचालक द्वारा जो ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं उनको वापस लिया जाए। तीसरी मांग है कि राजस्व विभाग की टीम द्वारा जो क्रेशरों पर अवैध माल जब्त किया था उसकी जांच करके उनके प्रति मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
जब ये समस्या हमारी तीनों मांगे पूरी हो जाएंगी, हम धरना को समाप्त कर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह सत्तावत का निधन हो चुका है। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका उपचार किया जा रहा था। वल्लभनगर से विधायक थे गजेंद्र सिंह। सत्तावत विधिन की वजह से कैबिनेट की बैठक स्थगित किया सीएम गहलोत ने और पायलट ने जताया है शोक। अंतर्राज्य गैंग के विरुद्ध पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अंतर्राज्य नकाब जन गैंग के विरुद्ध पुलिस टीम थाना आदर्श नगर ने की संयुक्त कार्रवाई। प्रतिष्ठित व्यवसाय क्षेत्र राजा पार्क स्थित मोबाइल स्टोर मत जियो डिजिटल स्टोर वीवो मोबाइल स्टोर से रात्रि के समय चोरी करने वाले दिल्ली निवासी कुख्यात नकाब जन गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जों से दोनों वारदातों का पूरा माल, 25 NT20 मोबाइल फ़ोन, वायरलेस हेडफोन, उच्च क्वालिटी के पोर्टेबल स्पीकर, नकद रुपए बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त हंसराज राजभर, उनके विरुद्ध दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व अन्य स्थानों पर 150 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। ये हमारी स्पेशल टीम है, तो हमारी स्पेशल टीम जो है, जैसे वारदात हुआ तो हमने नाके भी लगाए हुए हैं, तो हमें जो है इनकी जो गतिविधि थी, जिस तरीके से ये भाग रहे थे वो काफी संदिग्ध रूप से भाग रहे थे, तो नाका देखकर जो है ये इनके हाव भाव बदले, तो उसके बाद हमारी टीम ने इनका पीछा किया, इनको इंटरसेप्ट किया, तो इनके हाव भाव से गाड़ी में बाकी सामान देखकर जो है पुलिस को शक हुआ, इनको पूछताछ के लिए उठाया, और जब पूछताछ के लिए उठाया उसके बाद ये मामला खुलता चला गया। कोई और साथी नहीं है? इनके अभी तक कोई और साथी नहीं है, अभी तक ये दो ही हैं। अगर इनका किसी और गैंग से कोई संबंध है या फिर कोई और साथी है तो उसका अनुसंधान हम लोग करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के धरना प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं ने किए तूफानी दौरे। गांव कुपावास, हेमलियावाला, सिंदोली कालवास, मोहम्मदपुरा, गोपालपुरा और टूटियावास में कार्यकर्ता कर रहे हैं दौरे। आपको बता दें कि आगामी 31 जनवरी को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आक्रोश रैली को करेंगे संबोधित। आक्रोश रैली को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कल होगा आगाज। किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को करेंगे आक्रोश रैली संबोधित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज 19 के अंदर, और आप देख रहे हैं अखबार की सुर्खियां पुलकित के साथ। तो आइए नजर डालते हैं एक बार अखबार की सुर्खियों की ओर। आप सभी को बता दूं कि आप सभी ने सलमान खान के बारे में तो सुना ही होगा कि उन्होंने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी थी और कुछ लोगों की मौत भी इसमें हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से ऐसी ही घटना कल देखने को मिली है, जहां पर एक डंपर फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर चढ़ गया। जी हां, यह घटना सूरत की है, गुजरात जिले के सूरत की। लेकिन अगर मैं आप सभी को बता दूं कि यह गुजरात के सूरत के अंदर जब डंपर उन पर चढ़ा तो ज़्यादा असर राजस्थान की जनता को हुआ है, क्योंकि जब वह डंपर चढ़ा तो वह डंपर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मजदूरों के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया है, जिसके अंतर्गत 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि जयपुर के साल के शुरू होते ही 3 बड़े कारोबारियों पर छापेमारी भी ईडी के द्वारा की गई है। यह बहुत ही अच्छी खबर है कि राजस्थान में नया साल शुरू हुआ है और इसी के साथ में छापेमारी भी शुरू की जा रही है, जिससे राजस्व का खजाना भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसमें आप सभी को बता दूं कि आयकर विभाग के 200 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और 100 पुलिस वाले जवान भी शामिल हैं। वहीं अगर हम एक और बात करें तो आप सभी को बता दूं कि कोरोना के लिए राजस्थान से बहुत अच्छी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि एक भी कोरोना का मरीज 8 जिलों के अंदर सामने नहीं आया कल, और राजस्थान के बाकी जिलों के अंदर 209 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। साथ ही साथ हम बात करें तो आप सभी को बता दूं कि पिछले 19 दिन में छठी बार एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल दोनों की दरों में वृद्धि हुई है।
साथ ही आपको बता दूं कि 27 पैसे की बढ़त के साथ में पेट्रोल 92.69 और डीजल 84.73 रुपए तक पहुंच गया है, जिससे राजस्थान की जनता आए दिन पेट्रोल और डीजल के रेटों को लेकर के परेशान होती हुई भी नजर आ रही है। तो अखबार की खास सुर्खियों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि दो छप्परों में आग लग गई है, जहां आग से हजारों का सामान रखा हुआ राख हो गया है। आपको बता दें, मामला उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा के गांव रामनगर रेवड़ी दाड़ी नदी का है, जहां अग्निकांड में खाने पीने का सामान सहित ओढ़ने बिछाने का सामान भी जल चुका है। हनुमान पुत्र रामलला मीणा के दो छप्पर जलकर राख हो गए हैं। ग्रामीणों की मदद से लोगों ने आग पर काबू पा लिया है, साथ ही घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे ग्राम पंचायत सरपंच राकेश मीणा और सचिव सत्यनारायण शर्मा। भास्को कस्बे में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की सुनीता मीणा ने कराई सफाई, आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। भास्को कस्बा स्थित ग्राम पंचायत खोरी के सरपंच सुनीता मीणा के नेतृत्व में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निमोड़ा के मैदान में जेसीबी की सहायता से साफ सफाई करवाई गई, जबकि विद्यालय के मैदान में चारों तरफ कीकड़ के पेड़ उग रहे थे। विद्यालय में आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। इस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच सुनीता मीणा के नेतृत्व में विद्यालय के मैदान में जेसीबी की सहायता से सफाई की गई, साथ ही ग्राम निमोड़ा में जाने वाले सड़क के दोनों तरफ कीकड़ के पेड़ आ रहे थे। इस दौरान जेसीबी की सहायता से कीकड़ के पेड़ को हटवाया गया। इस दौरान ग्रामीण में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। इस मौके पर ग्राम पंचायत खोड़ी के सरपंच महेश मीणा, राजेंद्र मीणा, विद्यालय के अध्यापक व समस्त ग्रामीण उपस्थित थे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। भारत के पूर्वोत्तर के छोर पर स्थित अरुणाचल प्रदेश रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम रहा है, क्योंकि यहाँ पर चीन अपनी ज़मीन पर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। 20 जनवरी 1992 वो तारीख थी जब भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इस राज्य का गठन हुआ था और नया नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया था। इस नाम का मतलब था कि भारत का सूर्य उदय इस पहाड़ी प्रदेश से होता है, लेकिन 49 साल पहले अरुणाचल के केंद्र शासित प्रदेश बनने की कहानी क्या थी, फिर केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने का किस्सा क्या था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और फाइनल टेस्ट में 90 रन की नाबाद पारी खेलने हुए भारत को मैच और सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले ऋषभ पंत की तारीफ दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी की। उन्होंने कहा कि पंत में असाधारण प्रतिभा है। पंत की 138 गेंदों की इस नाबाद पारी के दम पर भारत ने अंतिम टेस्ट मैच के आखिरी दिन 328 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया था। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन के गाबा में पिछले 32 साल से चली आ रही ऑस्ट्रेलियाई बादशाहत खत्म करने के साथ ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 2-1 से अपने नाम भी किया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने टेस्ट सीरीज में भारत की शानदार जीत की तारीफ करते हुए इसे सबसे बेहतरीन वापसी के साथ मिली जीत में से एक करार दिया है। एडिलेड में अपने न्यूनतम टेस्ट स्कोर 36 रन पर आउट होने के बाद भारतीय टीम ने सीरीज 2-1 से जीती थी। दक्षिण ऑस्ट्रेलियन ने कहा कि भारत ने गाबा का किला फतेह करके चमत्कार भी करके दिखा दिया है। कोरोना वायरस के अब तक 1,05,00,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,823 नए मरीज मिले हैं और इसी दौरान 16,988 लोगों के रिकवर होकर के घर भी लौटे हैं, तो वहीं 162 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक इस वायरस से 1,51,00,000 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात तो यह है कि कोरोना से अब तक 96.64% यानी 1,02,00,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हो गया है। वे पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और शक्तावत के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने शोक भी जताया। सीएम ने अपने ट्वीट में ईश्वर से शोकाकुल परियोजनों को इस बेहद कठिन समय में संबल देने और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना भी की है। शक्तावत उदयपुर के वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सेड़वा से। आपको बता दें कि सेड़वा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की मिली भगत से बीसी ने खुलवाए खाते। बीसी ने दो मृतकों के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया। मृतक पद्माराम व उसकी पत्नी थापू देवी निवासी भंवार की मौत हो चुकी है। मौत के बाद अधिकारियों की मिली भगत से दोनों मृतकों के नाम पे खाते खुलवाए गए। SBI बैंक सेड़वा का मामला होने के बाद भी अभी तक सेड़वा पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान में कोरोना प्रतिशत टीकाकरण के तीसरे दिन कल मंगलवार को 8,833 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए हैं, जो दिन के तय लक्ष्य का लगभग 54.89% है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मंगलवार को राज्य के 33 जिलों के 167 टीकाकरण केंद्रों पर 16,092 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण का टीका लगाया जाना था, लेकिन शाम 6 बजे तक 8,833 स्वास्थ्य कर्मियों का ही टीकाकरण हुआ है, यानी लक्ष्य की तुलना में 54.89% स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगाया गया है। राज्य में AEFI के बाद में 8 माह सामने आए। उल्लेखनीय है कि देशव्यापी अभियान के साथ में राज्य में कोरोना प्रतीक्षण टीकाकरण की शुरुआत शनिवार को हुई थी और सप्ताह में 4 दिन टीकाकरण का कार्यक्रम रखा गया है। राजधानी जयपुर में पिंक सिटी की मेट्रो रेल सेवा पूरी तरह कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों से मुक्त हो चुकी है। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन मिलने के बाद आज से जयपुर मेट्रो रेल सेवा पहले की तरह ही संचालित रहेगी। जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक मुकेश कुमार सिंगल के मुताबिक 20 जनवरी से मेट्रो सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन के अनुसार संचालित होगी। मेट्रो रेल सेवा पूरी तरह कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों को मुक्त हो गई है और वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। सिंगल के कहा कि जयपुर मेट्रो की पहली ट्रेन आज सुबह 6:20 पर चलाई गई थी, जबकि अंतिम ट्रेन बड़ी चौपड़ से मानसरोवर के लिए रात को 9:21 पर चली गई और वहीं मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के लिए अंतिम ट्रेन रात को 9:20 पर ही चलेगी। बुधवार सुबह से लेकर के रात की अंतिम ट्रेन तक हर 10 मिनट के अंतराल में बड़ी चौपड़ से मानसरोवर और मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के लिए मेट्रो की रेल सेवा जनता के लिए शुरू की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को इसी दौरान कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करना भी अनिवार्य होगा। सरकारी सिस्टम में कायदे कानून की पालना जरूरी है, लेकिन मानवीय संवेदना इनसे ऊपर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृत आश्रितों को नियुक्ति के मामले में ऐसी ही उदारता दिखाई कि 21 से 27 साल बाद नौकरी मिल रही है। राज्य कर्मचारी की सरकारी नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। इसके लिए कर्मचारी की मृत्यु के बाद एक निश्चित अवधि में नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। नियमों में प्रावधान यह भी है कि मृतक आश्रितों ने 90 दिन की अवधि में आवेदन नहीं किया तो वह नियुक्ति की पात्रता से बाहर हो जाता है। इसी तरह नियुक्ति के लिए मृतक आश्रित की उम्र 18 से 33 साल का होना जरूरी है। हालांकि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण मुख्यमंत्री चाहे तो आवेदन की समयावधि तथा आश्रित की उम्र के मामलों में शिथिलन दे सकती है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारी की मौत के 27 साल बाद आवेदन करने पर भी उसके आश्रित को नौकरी के लिए शिथिलन दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दिव्यांगता की नई परिभाषा गढ़ दी है। शिक्षा निदेशालय ने DPC से चयनित दिव्यांग व्याख्याताओं की काउंसलिंग में 40% की जगह 70% दिव्यांगता की शर्त रख दी। इसी के बाद अब दिव्यांगता की कैटेगरी को लेकर बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। प्रदेश को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाला शिक्षा विभाग ने दिव्यांगता की परिभाषा ही बदल दी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में चयनित दिव्यांग व्याख्याताओं की काउंसलिंग में मजमर्जी देखते हुए सारे नियमों को ताक पर रख दिए हैं। काउंसलिंग में 40% के स्थान पर 70% वाले दिव्यांग व्याख्याताओं को बुलाया गया, जबकि नियम कहते हैं कि 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति दिव्यांग की श्रेणी में आएगा।
लेकिन बाद में अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की काउंसलिंग पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विशेष योग्यजनों विशेषज्ञ हेमंत भाई गोयल ने भर्ती को रोकने की मांग भी की है। राजस्थान की दौसा सांसद जसकोर मीणा के द्वारा किसान आंदोलन को लेकर के बयान दिया गया, अब उन पर ही भारी पड़ने लगा है। जसकोर मीणा ने किसान आंदोलन में खालिस्तान का झंडा लहराते हुए आतंकवादियों का जमावड़ा बताया था, जिसके बाद में दौसा जिले के कांग्रेसी आग बबूला हो रहे हैं। जसकोर मीणा के किसानों को आतंकवादी बताने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी तिराहे पर जसकोर के बयान का विरोध करते हुए उनका पुतला भी फूंका है। और वहीं दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा किसानों के आतंकवादी बताने वाले बयान की घोर निंदा भी कर चुके हैं। मुरारी लाल मीणा ने तो यहां तक कह दिया कि जो किसान दिन रात खेतों में खून पसीना बहा करके लोगों का पेट भरते हैं और जिनके बेटे सीमा पर पहरा दे रहे हैं, उनको सांसद जसकोर मीणा द्वारा आतंकवादी बताना किसानों का सीधा सीधा अपमान करना है, जिसे कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लालसोट विधानसभा क्षेत्र से, जहां उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के क्षेत्र में टूटी सड़क बन रही है लोगों के लिए परेशानी। दुर्घटनाओं को अंजाम दे रही है टूटी सड़कें। मामला है राजेश पायलट महाविद्यालय से लेकर श्यामपुरा तक जाने वाली सड़क मार्ग का, जहां सड़क में क्षतिग्रस्त मिझरना, चौड़ियावास, समासा और श्यामपुरा के गांवों से गुजरती है। टूटी और जर्जर सड़क के चलते गांव के लोग बेहद ही परेशान और तंग हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी ने टूटी सड़कों के चलते आंखों पर पट्टी बांध रखी।